लेसन नंबर 5। अब हम साइंटिफिक नोटेशन से जाएंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में। आइए इसको एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। लेसन 5, साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक से हम ऑर्डिनरी में जाएंगे। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन हमें गिवन होगी और हम उसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इसकी एग्जांपल है 6.35 इंटू 10 रेज पावर प्लस 6 है। तो जब पावर प्लस 6 होगी तो हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे टुवर्ड्स राइट। यानी कि इसको डेसिमल पॉइंट यहां पर है, इसको उधर मूव करवाएंगे टुवर्ड्स राइट। यानी कि इसका आंसर ये होगा, कितने प्लेसेस हैं, 6 हैं, तो इसको सर लिखेंगे 3, 5, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारे पास। देखिए हमने इसको मूव करवाया इस डेसिमल पॉइंट से उस तरफ। यानी कि हमने 2 तो ये हो गए, पर 4 जीरोस और लगाने पड़े। वजह ये है कि पावर 6 थी, तो 6 प्लेसेस तक हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डेसिमल पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.35 इंटू 10 रेज पावर प्लस 6 जो है वो ये नंबर बन गया हमारे पास, ये नंबर आ गया। ये इसकी एग्जांपल थी पहली। अभी दूसरी एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसकी। एक और हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है 7.61 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4। अब यहां इस तरह से है कि पावर में माइनस 4 आ गया, तो अब हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है, रिवर्स प्रोसेस। इस तरह से हमने साइंटिफिक नोटेशन में किया था कि ऑर्डिनरी नंबर से साइंटिफिक, वही प्रोसेस हम रिवर्स कर रहे हैं यहां पर। तो इसका मतलब ही हुआ कि डेसिमल पॉइंट को उस तरफ मूव करवाएंगे 4 प्लेसेस। तो यहां पर सबसे करेंगे 0, 0, 0 और ये आ जाएगा हमारे पास 7, 6, 1। अब देखा जाए तो पॉइंट यहां था एक प्लेस, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहां लगाएंगे पॉइंट। तो इसका मतलब ही हुआ कि 7.61 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 यह आ जाएगा 0.00761। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस लेसन में हमने ये सीखा कि साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं।